द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। अरे तू राणा का वंशज है, उठा भाला और फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे हैं कि इस वैकेंसी को कब आने वाली है। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है, वैकेंसी अब बहुत जल्द आने वाली है, अप्रॉक्स दीपावली के पहले आने वाली है वैकेंसी। तो आप अभी से आप उसके प्रिपरेशन में जुट जाएं। जानेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है और क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का और एज ग्रुप क्या है। तमाम इस फॉर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपका भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके। आइए दोस्तों, बिना किसी देर के किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। और दोस्तों, डेट आप एकदम लिख लें, डेट लिख लें, दीपावली के बाद ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कितने वैकेंसी है? 30,000 प्लस वैकेंसी। सबसे बड़ी बात यही है कि 30,000 प्लस वैकेंसी इसमें है। इसमें देखिए एज क्या मांगा जाता है, इसमें अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको एज मांगा जाता है 18 से 22 साल। ठीक है, अगर आप जनरल को छोड़ के ओबीसी एससी और एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन है। इसमें खास बात है कि इसमें ओबीसी को भी 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसमें एज काउंट होता है, वो 1 जुलाई 2021 से इसमें एज काउंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कुछ इसका जो सिलेबस है, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको सिलेबस को डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिए दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लें। आपको वहां पर छोटी मोटी जो भी जानकारी होती है, फॉर्म अपडेट्स होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो सारी जानकारी आपको वहां तक मिलती है। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसमें हाइट क्या मांगता है, तो कौन से बच्चे, किस कद के बच्चे इसको भर पाएंगे। तो अगर आप मेल हैं और जनरल ओबीसी और एससी से आते हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और अगर आप एसटी से आते हैं तो सिर्फ एसटी वालों के लिए है, है 160 सेंटीमीटर हाइट है आपका एसटी में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चेस्ट में देखिए, चेस्ट में 79 आपका हाइट, 79 आपका चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। अगर आप एससी में आते हैं तो एज थोड़ा सा कम हो जाता है, 77 मांगता है इसे नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करके होना चाहिए। अगर आप फीमेल में आते हैं तो आपका हाइट, देखिए इधर फीमेल है, ग्राफ बना के बिल्कुल बनाया, चार्ट बना के, फीमेल में अगर आप हैं तो आपको 152 हाइट होना चाहिए। और अगर आप एससी में आते हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, सिर्फ एसटी के लिए ये है। उसके बाद देखिए रनिंग क्या मांगा जाता है। रनिंग में देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर और 25 मिनट में, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता है। अगर आप फीमेल में आती हैं तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, क्राइटेरिया होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो वैकेंसी है किस ग्रुप में बटा हुआ होगा। देखिए जो भी वैकेंसी आएगी एससी का 21% उसमें सीट आरक्षित होगा, और एसटी का 2% सीट आरक्षित होगा, ओबीसी का 27% आरक्षित होगा, और इस बार से ईडब्ल्यूएस भी आ गया है तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको 10% सीट आरक्षित होगा। और फीमेल के लिए भी, इसमें फीमेल भी ऑल ओवर इंडिया से फीमेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकती हैं, 20% सीट उनके लिए भी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे आप लोग। तो ये वैकेंसी दोस्तों, आप डेट लिख लिए, दीपावली के बाद ये फॉर्म आपको अपडेट मिल जाएगा और ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसके प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं तो अभी से लग जाएं, क्योंकि आपको कन्फर्म कह रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द ले लिया जाएगा, इसका प्रोसेस बहुत जल्दी होगा। और अगर हमसे कोई जानकारी छूट गया हो सिलेबस को छोड़कर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी तरह की जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, कोई भी महिलाएं हैं, कोई गर्ल्स हैं तो वो पर्सनली हमें मैसेज कर दें, उनको हम एक गर्ल्स के ग्रुप में आपको उनको ऐड कर देंगे।
दोस्तों आपसे एक और निवेदन करना चाहते हैं कि एक वीडियो इससे पहले आया हुआ है जो आपके हक की बात है, हमने उठाई थी, दो बार ये दो वीडियो बन चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लें, आपके हक की बात है। दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।